हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिट्टू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं हम सुबह से। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9:15। तो उठते तो हम जल्दी हैं लेकिन लेट हो जाता है, क्योंकि नमाज़ पढ़ना, कुरान से भी पढ़ना, फिर मैं दूसरे चैनल के लिए उर्दू की वीडियो भी बनाती हूँ, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। इधर मम्मी ने अपने बालों में एलोवेरा और नारियल का तेल लगाया है, और सुबह से ही उठ के बिट्टू हमारा फ़ोन देखना शुरू कर देता है। पर हम लोग ज़्यादा दिखाते नहीं हैं। बिट्टू बिट्टू देखो, इधर इधर से देखो। हेलो कर दो, हेलो। तो अब इसको ये वीडियो बनानी है। अब हम किचन में आ चुके हैं। तो इधर हमने अंडे को बॉईल कर लिया है और अब बना रहे हैं उपमा। तो उसके लिए हम प्याज हरी मिर्च काट लेंगे। जल्दी फटाफट से हम प्याज और हरी मिर्च काट लेते हैं। तो इधर हम सूजी को भून लेंगे। तो इधर हमारा तेल अच्छा लगा, उसके बाद इस मूंगफली डाल दिया। पहले सबसे पहले मूंगफली को अच्छे से भून लेंगे, और सूजी को भी हमने भून लिया है। तो अब फटाफट से हम उपमा बना लेते हैं। तो इधर हमने मूंगफलियों को भी भून लिया और उनको निकाल लिया है। अब डालेंगे इसमें राई, करी पत्ते, प्याज, सूखे मसाले। इसमें टमाटर, सूजी डालने के बाद अब डालेंगे इसमें हम पानी। और अब इसको हम ढक के पकाएंगे। तो इधर हमारा लगभग उपमा भी बन चुका है, और इधर हम जमा रहे दही, और इधर हम बना रहे चाय। तो आओ इधर हम मलाई और केला का हलवा बना रहे हैं। ये मुझे और मम्मी जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए जब भी हमारे घर केले बचते हैं तो हम ऐसे ही हलवा बना लेते हैं केले के। इससे ऐसा करने से केला ख़त्म भी हो जाते हैं, ऊपर से हम खा भी लेते हैं। तो इधर हमने नाश्ता लगा लिया, अब जा रहे हैं मम्मी जी को नाश्ता देने। तो अब हम भी नाश्ता कर लेते हैं, अब मिलेंगे हम आपको नाश्ते के बाद। तो नाश्ता हमारा हो चुका है, अब हम बिट्टू को बाहर निला रहे हैं धूप में। तो अब बिट्टू को निहा लेते हैं, और इधर हमारे कपड़े भी धुल चुके हैं, बिट्टू को हम निला लेते हैं। तो बिट्टू हमारा नहा लिया है, उसके लिए हम कपड़े और तेल लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमने मालिश नहाने से पहले नहीं की है, तो अब हम नहाने के बाद करेंगे। नहा लिया है, और कहता है नहाने के बाद छोटा बेबी नहा लिया, ये इतना छोटा बन जाता है कि छोटा बेबी नहा लिया। मम्मी हाँ जी, अम्मा के ऐसे कैसे? अच्छा अच्छा, छोटा बेबी नहा लिया ना, बीबी दूधा छोटा बेबी। अच्छा नहा लिया छोटा बेबी। अच्छा अच्छा, अब मालिश करनी है, तब मिलेंगे हम आपको मालिश।
हम नहा धो लिए हैं और बाकी खाना भी हमारा लगभग बन के तैयार है। इधर हमने आटा भी गूंद लिया, रोटियां सेक लेंगे। और इधर हमने खाने में बनाया एग करी और दाल चावल। अब रोटियां बना लेते हैं। दाल ऐसे दिखाते हैं, तो ये देखिए फ्रेंड, ये दाल है, ये एग करी, और इसमें बना है हमारा घी, और ये चावल। और अब इधर हम रोटियां बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, खाना हमने खा लिया है। उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।